हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज, स्पेशली कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, उनकी एनर्जीज चेक करने के लिए हाल ही में जो न्यू मून की एनर्जी गई तो वो है, और बहुत सारी तो पोर्टल की एनर्जी है, तो वो सारी चीज़ें तभी मैं समाओ ना कर ही नहीं पाई एनर्जी का रीडिंग। तो आज मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि एनर्जी रीडिंग क्या कह रही है, ये इन कनेक्शंस में एनर्जीज चेक करना, उसमें अपडेशन कितने आए हैं, कितना इनर वर्क ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी कि कैसे हो, क्या निकल के आते हैं एनर्जी, और आपके डिवाइन मस्कुलिन नो जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। और जैसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, बस आप वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है जहाँ पे आपकी अवेकनिंग शुरू है। आपको बहुत सारे सवाल है मन में, तकलीफ़ है, उसको रिलीज़ करना है, और किसी स्पिरिचुअल वे से ही, किसी भी स्पिरिचुअल वे से आपकी एनर्जी क्लिंजिंग या एक रिलैक्सेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नी का पार्ट। तो माना कि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, लेकिन एक जर्नी को समझना और एक्सेप्ट करना, एक ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का एक हिस्सा होता है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जर्नी का अभी कौन सा स्टेज चालू है। स्टेज की बात नहीं करते, मतलब करंटली एनर्जीज क्या चल रही है जर्नी की कोशिश। द थिंकिंग वुमन, ब्रोकन हार्ट, सेवन चक्र, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग हार्ट, क्या बात है एनर्जी। मुझे समा फील हुई कि टावर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। यस, जो कार्ड गिरा है ना, इनफैक्ट जो कार्ड जो दो नीचे गिरे हैं वो लेना चाहूँगी, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग और यिन एंड यांग, ये दो एनर्जीज दिख रही है, जो जिस तरह से वो उछल के बाहर गिरे हैं। और डेफिनेटली फोर्थ चक्रा, आर्के एंजल राफेल, एंजल्स इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा मौजूद दिख रहे हैं, और डेफिनेटली जिस कनेक्शन की बात हो रही है यिन एंड यांग, और यही जो सोल कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे जो दिख रहा है, मैंने कहा ना कि मुझे जो फील हुआ उसी की बात चल रही है, कि पहले मैं कार्ड लगा लेती हूँ। तो इन्हें भी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग वार्निंग और हार्ट, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है ना, तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा था, जो फीलिंग है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फीलिंग है, वो मुझे पिछले दो दिनों से हर रीडिंग में जो फील हो रही है, लाइक स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग में फील हो रही है कि देर इज़ अ जस्टिस, देर इज़ अ जजमेंट, कुछ तो होने वाला है इस रिलेशन में, जो अभी अगर स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो वो चीज़ होने वाली चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट करे ना करे, सबके सिचुएशन, सबके डिवाइन टाइम अलग होते हैं, लेकिन ये अगर आपके साथ ये अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जो आप कमेंट्स पढ़ते हैं कि जिनके रिजल्ट्स आते हैं, तो आपको पता चलता है कि जब वो कहते हैं कि ये उनके इतने अरसे के बाद, इतने महीनों के बाद उनके पास कॉल आता है, वो इंसान वही चीज़ बोलता है जो रीडिंग में निकल के आई थी। तो मतलब ये रीडिंग्स जो एनर्जी की बात करते हैं वो सही है। बात ये है कि आपके साथ वो एनर्जीज कब कब साथ देंगी, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जर्नी स्पिरिचुअल है तो आपको रिजल्ट ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से कभी नहीं मिलेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको एक टेम्पररी सोल्यूशन मिल सकता है, एक टेम्पररी सोल्यूशन बाई टाइमिंग सोल्यूशन, बट आपका जो सोल है ना, वो हमेशा सवालों से घिरा रहता है, क्रेव करता है कि इसका क्या है, उसका क्या है, ये सवालों का मतलब कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक ना एक अलग ही लाइफ पर्पज़ फील होता है, कि मतलब पहले तो आपको बहुत ही अशांति,
बहुत ही तकलीफ, अशांति, सब कुछ, एंग्जाइटी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बस सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन उसके बाद है ना, एक रहती है एक अजीब सी खामोशी। उस खामोशी में यू नो, जब हम लोग दुनिया के शोर में हम अपने आप की आवाज़ ही नहीं सुनते, तो वो जब अपनी अपनी आवाज़ सुनने लगते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, ये सुनने लगते, अपने दिल की आवाज़ सुनने लगते। और जब हम लोग खुद को जानने लगते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, उसकी उसकी चाहत क्या है, लाइक अब दिल क्या चाह रहा है, सोल क्या चाह रहा है, उसके ऊपर जब काम करने लगते हैं, तो चीज़ें अपनी आप जैसे ना ठीक होने लगती है। आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, माना कि वो मेल फीमेल जिसे में भी है, इनकी अवेकनिंग जैसे ना फर्स्ट पहले होती है और इनकी बाद में, तो इस जर्नी में इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। जिनकी भी एनर्जीज वो इस रीडिंग को मैच करनी है, तो डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिखाते हैं कि उनके लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं जो इस कनेक्शन के लिए उनको ना, क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ जैसे ठीक चलता है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, रिश्ते चल रहे हैं, सब कुछ है, तब इंसान को किसी भी चीज़ का न सुख न दुख स्पेशली फील ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। जब दुख आते हैं तब वो स्पिरिचुअल होता है, वो जिसने वो मतलब जो ऊपर वाला है उसे मानने लगता है, उसे सवाल पूछने लगता है, उसे मदद मांगने लगता है। तो वो होना ज़रूरी था, ये आपके केसेस में हुआ है और अभी इनके केसेस में शुरू हो चुका है या होने वाला है। बेहद तकलीफ, दर्द दिल से गुजरेंगे, ब्रोकन हार्ट से गुजरेंगे, और जब दिल टूटेगा, यू नो, दिल टूटेगा, तब जाके इनकी एक्चुअली असली दिल की ख्वाहिश या सोल आवाज़ बाहर निकलेगी, कि उनको फील होगा कि ये कनेक्शन क्या है इस इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए, लाइफ पर्पस के लिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फील होगा। और डेफिनेटली फिर उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, इस जो धरती पर आने का मेरा मकसद क्या है, किस इंसान से यूनाइट होके मुझे करना क्या है, आगे क्या करना है, वो समझ में आएगा। तो अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही है, और आपको भी एक दूसरे के साथ एक अलग ही बॉन्ड फील होता है। माना कि आप एक दूसरे के साथ नहीं हुआ, माना कि आप में कितने सारी चीज़ें सही, आप हो सकता है कि कुछ लोग अलग अलग लोगों से मैरिड हो, कुछ लोग अनमैरिड से, कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, सब कुछ है, बट इस जर्नी का मतलब सिर्फ शादी, सिर्फ बच्चे, सिर्फ अच्छी लाइफ, रोमांटिक लाइफ, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, इट्स अ जर्नी ऑफ अ सोल, आपकी सोल की जर्नी है, ये स्पेशली आपको कंप्लीट करती है, ये बात आप पहले ध्यान, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, पावरफुल एनर्जी, उसमें ना जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है वो एनर्जी, तो उसका पर्पस, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। अभी इनके जो जिस सिचुएशन से गुजरेंगे स्पेशली, हो सकता है कि इनकी अगर बहुत कंडीशंस ख़राब हो, लाइक ना मुझे समझ दिख रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उनके ऊपर टूट पड़ने वाले हैं, रिश्तों में कहर टूट पड़ने वाला है, तो वहाँ पे उनका इतना मतलब दिल टूटेगा कि मतलब किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया हो, बहुत बहुत मतलब कि ऐसा जैसे कि दिल चीर के रख दे, ऐसे दिल चीर के रख दे, ऐसे एनर्जी जो किसी भी वक्त आपने फील की थी, और उसके बाद इतनी तकलीफ़ के बाद, मतलब लिटरली अपने आप को लिटरली आपने ज़िंदा किया है, मौत से बाहर निकाला है, वो एनर्जी वो भी फील करेंगे, वो आपके पास आएंगे हील कराने। अगर आप वो भी अगर ये आपके पास नहीं आ सकते जो भी रीज़न से, तो अपने आप के सवाल ढूंढने में वो लग जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। स्पिरिचुअल तो डेफिनेटली होंगे, उनका भी जो 7 चक्र है वो खुलेगा, उनको भी एहसास होगा कि कुछ तो है जो मुझे समझाना चाहता है, मुझे दिखाना चाहता है कि करना क्या है। ये कनेक्शन जो एक दूसरे को नो कनेक्ट करता है, उस चीज़ के लिए ना उनका एक अजीब सा अट्रैक्शन होगा। नंबर इम्पॉर्टेंट है 6, 9, 10, डेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 9 नंबर अगेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं। हो सकता है कि रीडिंग्स के दौरान आपको बटरफ्लाइज दिखे,
मतलब अनुज वाला, अनुज वाला कि आपका कोई कनेक्शन नहीं, अचानक से आपके लाइफ में मतलब आपके सामने से बटरफ्लाई गुजरे, या अचानक से आपको दिखी हो या दिखने इसके बाद दिखे, वो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं. मतलब कि क्या मतलब ये एनर्जी है इस रीडिंग में. और जैसे ना जजमेंट होने वाला है, जजमेंट, ये काफ़ी सारा तूफानों से गुजरेंगे और उसके बाद उनको एहसास होगा कि ये कनेक्शन क्या है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. मैं मतलब जब अभी आपके सामने कार्ड शफल कर रही थी और यही कार्ड आए, जजमेंट, आपका उनका इसमें जैसे कि कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ बताने का काम कर रही हूँ और यूनिवर्स अपना काम कर रही है. तो प्लीज़ से थैंक्स टू यूनिवर्स, से थैंक्स टू यूनिवर्स, नॉट मी. यूनिवर्स ये सब है भाई, जो देने वाला है वही है. नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है फिलहाल वो. नाइन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स और द डेथ. यस, ये जो दो कार्ड जो मुझे फील हो रहे थे, फील लिटरली फील हो रहे थे, वही कार्ड आए हैं. मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग. डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत आने वाली है, आ रही है, आने वाली है, आ चुकी है. तो वो स्टेजेस है, लाइक ना एक फेजेस है वहाँ पे. तो उनकी कार्मिक रिलीजेस काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों में है. उनकी जो एक पर्सनालिटी है, उनकी एडिक्शन हैबिट्स है, उनकी को डिपेंडेंसी है, हर चीज़ को ना जैसे बदला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है. जैसे इवन आपकी भी ये एनर्जी मिररिंग का जो सिचुएशन है ना, वही आपको भी पूरी तरह तोड़ के रखा जाएगा. पूरी तरह आपकी जो सोच है ना, नहीं ऐसा है, मैं इस इंसान के बगैर नहीं रह सकता, नहीं, आपको मतलब रहना पड़ेगा. ये यूनिवर्स कहेगी रहना पड़ेगा, आपको जीना भी पड़ेगा और उससे अच्छे से जीना पड़ेगा. आपको पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा आगे और कुछ करना भी दिखाना पड़ेगा, भले आप कितने भी तकलीफ से हो, आपको उससे बाहर भी निकलना है और स्पेशली आपको बहुत कुछ अच्छा काम भी करके दिखाना है. इतना आपको मजबूत किया जाएगा, इतना आपको स्ट्रेंथ, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके लाइफ में जो भी जो स्पेशली ना फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त आपको ना उस चीज़ का कोई इतना खास मतलब नहीं रहता. आपको जैसे सोशल मीडिया, लोग क्या कहेंगे, आप मतलब आपका ये क्या स्टेटस है, वो नहीं. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में इतनी ग्रोथ और इतनी मतलब ग्रोथ और स्टेबिलिटी रहेगी ना कि आपको मतलब इस दुनिया की चीज़ों का, ऐसा नहीं कि आप हिमालय में जाएंगे, ऐसे नहीं है, बट इतना आपको ना एक अजीब सी स्ट्रेंथ फील होगी कि आपको ना सुख दुख आते हैं बट उसमें ना आपको सहने की ताकत या उससे लड़ने की ताकत आएगी. ऐसा नहीं कि दुख आएंगे तो रोएंगे, ऐसा नहीं, बस उसको सहने की और उसको टैकल करने की, यानी उसको समझने की, उसके ग्रो करने की. मतलब अभी अभी जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी ना, आप क्या फील करेंगे कि जैसे आप अभी अच्छा गेम के जैसे ना एक लेवल पार होते हैं, वैसे ही फील करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है आज तो, अच्छा इसके मतलब मुझे ये चीज़ में ग्रोथ करनी है, अच्छा उसके बाद ये प्रॉब्लम आया तो उसके बाद ये ग्रोथ करनी है, ये फील होगा. आपका करियर वगैरह सब बहुत ही अच्छा होता जाएगा जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी. इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, बी पॉजिटिव, होपफुल रहिए, क्योंकि कुछ जर्नीज ऐसी है जो आपके सोल को ट्रिगर करती है कि आपको ये भी तकलीफ भी छोड़नी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ भी करनी है. चीज़ों से भागना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ना है. तो उनके लाइफ में लिटरली जजमेंट आ रहा है, डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से होंगे. फिलहाल वो स्लीपलेस नाइट्स में है, रातों रातों को जागते हैं, परेशान होते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चालू है. ये कमिटमेंट और मैरिज के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं
और ये अपने लाइफ में ना क्लियर होना चाहते हैं. हो सकता है कि इतने निगेटिव या रूड हो जाएंगे एक वक्त में कि अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन उनको सर्व नहीं करती उसे कट आउट करेंगे. उनकी विश है कि वो अपने एम्प्रेस से मिले, डिवाइन फेमिनिन से मिले. उनकी विश है, लोग विश मांगते हैं, या फिर ये सब, या फिर नहीं, या फिर ये सॉरी ये स्टेजेस से गुजरने के बाद उनकी विश बन जाएगी कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन से मिले, क्योंकि वो एनर्जी उनको कंप्लीट कराती है, उनको एक हीलिंग प्रोवाइड करती है. डेफिनेटली वो भी मतलब सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ और सब चीज़ों से गुजरेंगे. उनके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है. फिलहाल वो दो चॉइसेस में फंसे हुए हैं कि क्या करना है और कैसे करना है. चॉइसेस कुछ भी हो सकती है, वो इंसान हो सकती है या सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन उसमें वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं और लाके रहेंगे. और रैदर अगर वो डिसीजन नहीं लाना चाहते तो डिसीजन यूनिवर्स करेगी. हमेशा हमें यूनिवर्स है ना, हमेशा हमें बोलते ना चांसेस देती है अपने आप को बदलने का, सुधारने का. लेकिन अगर हम लोग वही स्टेज में रहे कि हमें एग्जांपल के तौर पे आप अगर आप रोते बैठ रहे हैं, तकलीफ़ में ही है, तकलीफ़ में ही है, बस हो नहीं रहे, हो नहीं रहे, हो नहीं, तो यूनिवर्स जो आपको कहना चाह रही थी बार बार किसी भी थ्रू, तो कि आप अपने आप को स्ट्रेंथ बना लो, अपने आप को स्ट्रांग बना लो, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं सुन रहे, तो आपको और तकलीफ़ दिया जाएगा, और तकलीफ़ कि जैसे आपको कुछ भी करे, मतलब फिर तो आपको डबल तकलीफ से गुजर के भी स्ट्रेंथ लानी ही पड़ेगी. तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप जो भी तकलीफ़ से गुजरे पहले अपने आप की स्ट्रेंथ मतलब इकट्ठा करना सीखे, क्योंकि यही चीज़ आपको नो लाइफ टाइम तक सब चीज़ों से मतलब एक्सेप्ट करने में मदद करेगी. सब चीज़ खुशी खुशी, ये हैप्पी एंडिंग, ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन लाइफ इज़ अबाउट द लिविंग, इट्स अबाउट द जर्नी. गोल के फोकस होना चाहिए, लेकिन जर्नी को एंजॉय करना भी अलग एक बात होती है. एंजॉय मतलब जर्नी को एक इस सफ़र को, ये जर्नी सोल जर्नी है, इस जो आत्मा का सफ़र है उसको आप ऐसे तकलीफ और ऐसे बोलें कि भाई नर्सी भी ख़राब है, ये क्या है, वो क्या है, ये नहीं हो रहा है, दूसरों के लाइफ में हो रहा है, यही सब करते बैठेंगे तो लाइफ तो ऐसी ही रहेगी. लेकिन अगर उस सफ़र को आप एंजॉय करना सीखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ बदल सकती है, क्योंकि नज़रिया बदलने से ही चीज़ें बदलती है. आप अपने आप को चेंज कीजिए, दुनिया को नहीं. तो दुनिया को और सब कुछ चेंज करने का काम यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, और ख़ुद को आप यूनिवर्स पे सरेंडर करके आप अपने सवालों का जवाब मांगिए. यूनिवर्स इतनी ग्रेट है कि आपको जवाब ज़रूर देगी. नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, 13, 9, 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट फील हो रहा है मुझे. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5 आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, और यस 99 इंजन नंबर 999 भी दिख रहा है. डेफिनेटली ल्यूमिनेसिटी, लाइफ पर्पस, ये रीडिंग में ये सब चीज़ आना तो बनता है. लाइफ पर्पस, लव, मैनिफेस्टेशंस, यिन एंड यांग. सो दोबारा यिन एंड यांग आया है, और मैच्योरिटी, डेफिनेटली सोलमेट्स बॉटम द डेक. तो एनर्जी कहती है कि एक तो यिन एंड यांग मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन सोल लेवल पे चल रहा है, उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली. सही, आपको इतना दिल से याद करते हैं, और अगर इन प्रॉब्लम्स में तो आपको बहुत याद करेंगे, कि क्योंकि वो एक सोल उसी को अपने मदद के लिए जैसे पुकार रहा हो, और ये आपके लिए लव फील करते हैं, एक प्यार, एक सच्चा प्यार वो फील कर पाते हैं लिटरली. वो मतलब अगर आप शांति से बैठेंगे ना मेडिटेशन स्टेज में, लिटरली आपको आपको वो फील होंगे, आपको लगेगा कि वो आसपास हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी तकलीफें भी आप फील कर पाएंगे. और ये जो आपकी शाइन है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है. इस रिश्ते में वो चमक वापस लौटेगी, जो अभी चीज़ जैसे खो गई है ना कहीं, चमक इस रिश्ते की वो वापस लौटेगी. और बेसिकली इस रिश्ते में
उनको ना अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस किया जाने के लिए कहा जा रहा है, इवन आपको भी. आपका लाइफ पर्पस क्या है? इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशन, इट्स अ लाइफ पर्पस. तो आपको वो बोला जा रहा है, दोनों को भी ट्रिगर किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ना ट्रिगर का काम करते हो, आप एनर्जीज मिररिंग का काम करते हो. तो आपको दोनों को लाइफ पर्पस के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम कीजिए, समझिए, उसके ऊपर काम कीजिए. जो देखते हैं कि आपको कौन से एंजल नंबर दिख रहे हैं. सो आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा है, 999 जैसे मैंने कहा, 69 अगेन फोन की बैटरी में स्पेशली 888. सो आई वाज राइट कि आपको ये तीन चार एंजल नंबर स्पेशली 69, 888, 222, 1010, ये तो ये एंजल नंबर यहाँ से निकल के है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1111 एंजल नंबर, 1001, ये सब नंबर मिरर ऑफ मिररिंग नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं. तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स.